संविधान चौक पर वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बैनर तले समाज के हर जाति के लोगों द्वारा एनपीआर एनआरसी व सीए का निषेध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। एनपीआर एनआरसी व सीए के निषेध पे यह 4 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बैनर तले एनपीआर एनआरसी और सीए का निषेध करते हुए 4 दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है। सीए का निषेध इसलिए किया जा रहा है कि सीएए असंवैधानिक है। इन कानूनों को लेकर देश की जनता में भ्रम का वातावरण निर्माण किया जा रहा है, ऐसा डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर इन्होंने कहा है। सीए जो कानून सरकार ने पास किया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, जो कि संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का जो है बिल्कुल विरोध करता है। उसके साथ साथ सीए को आप बिल्कुल ये नागरिकता देने की बात करता है, अजीब बात है सरकार की भी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं देश के अंदर उनको नागरिकता देने की बात करते हैं, और दूसरा जो इनके पास हथकंडा है एनआरसी के नाम पर जिसमें वो नागरिकता लोगों की जो इस देश के सिटीजन्स हैं उनसे वो नागरिकता मांगने की बात करते हैं। तो सीए का विरोध इसलिए है कि ये देश में का एक संविधान है जो कि धर्म के आधार पर इक्वलिटी की बात करता है, किसी धर्म भाषा के ऊपर जो है ये भेद नहीं करता है, और इस कानून के अंदर जो है जो सिटीजनशिप की बात की गई है वो धर्म के आधार पर है, जबकि ये संविधान ने कभी धर्म की बात नहीं की है। असल में ये बात बोलते हैं भ्रम फैलाने की कि सीएए मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जो है कानून जो है ये दूसरों के लिए है। ये बोलते हैं कि मुसलमानों को इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नागरिकता का सवाल नहीं है। असल में भ्रम देश में देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री फैला रहा है, जिसको एनआरसी के ऊपर ये मालूम नहीं है। एक प्रधानमंत्री देश की दिल्ली के लीला मैदान में ये कहता है कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुई, और उनका जो गृह मंत्री है देश का वो छाती ठोक ठोक के टेबल पीट पीट कर सदन में कहता है कि एनआरसी तो हम ला कर रहेंगे, एनआरसी तो हम ला रहे हैं। तो भ्रम ये फैला रहे हैं देश में, और ये मुसलमानों से कह रहे हैं कि सीए पे जो है आपको भ्रम है, आपकी नागरिकता नहीं होगी। तो एक कानून, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये एक कानून नागरिकता लेने की बात करता, और दूसरा जो कानून है एनआरसी वो जो देश के नागरिक है उनके नागरिकता पे सवाल खड़े कर रहा है, उनको नागरिकता की जो है प्रमाण देने की बात कर रहा है। तो भ्रम ये फैला रहे हैं देश। सीए का विरोध इसलिए है कि वो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है फैसला, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगा, इसके बावजूद भी अगर वो असंवैधानिक, देश के जो जनता है उसको अधिकार है इस बात का कि फैसला होने के बावजूद भी ये अपनी सहमति असहमति दिखा सकते हैं, और जो लोकतांत्रिक तरीका है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, वो कर सकते हैं। ये सरकार की तरफ से झूठा प्रचार है कि जो इस कानून के जो आंदोलन हो रहे हैं उससे जो है देश की शांति भंग हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित यानी दिल्ली जो कि अमित शाह के हाथ में है, आपको यहाँ यही आपको कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई मिलेगी। पूरे देश में लाखों लोग इस कानून के खिलाफ में सड़कों पर आए हैं, लेकिन आप कहीं भी लाखों लोगों की, आप नागपुर की घटना ले लीजिए, नागपुर का ही प्रदर्शन देख लीजिए, 2 लाख से ज़्यादा लोग थे, नांदेड़ है, औरंगाबाद है, बम्बई है, हैदराबाद है, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, लेकिन कहीं भी घटनाएँ जो है ऐसी नहीं हुई है। और सिर्फ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ जिस जो घटनाएँ हुई है वो भी पुलिस का इस्तेमाल, और जेएनयू में जो घटना हुई उनके दंगाइयों का इस्तेमाल, तो इस तरह से वो अराजकता का माहौल बताना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इनके सभी हथकंडों को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए वो इस कानून के विरोध में खड़ी है। जेएनयू की जो बात है, जेएनयू देश का एक ब्रेन है, जहाँ से पढ़े लिखे युवा जो है देश में जाते हैं, और देश में जो है वो एक बड़ा देश के विकास में बड़ा उनका योगदान रहता है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो देश का ब्रेन है, पढ़ा लिखा युवा है। लेकिन ये जो सरकार है इनको अंधभक्त चाहिए, इनको पढ़े लिखे ब्रेन नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर उसको ये तबाह करना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने एक तो इतनी फीस बढ़ा दी जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 100% फीस बढ़ा दी उन्होंने, 100% ज़्यादा। 3 महीने से 4 महीने से उसका आंदोलन चल रहा था, और जब वो बच्चे उसका विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। तो ये उन ब्रेन को ख़त्म कर देना चाहती है। उनकी जो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस है, जामिया ले लीजिए, DHU को ले लीजिए, DHU में जो है प्रोफेसर की तनख्वाह नहीं है, फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई ताकि गरीब बच्चे जो है वो पढ़ ना सके देश में, और एजुकेशन से, शिक्षा से दूर हो जाए। ये वही पॉलिसी है जो मनुवाद की व्यवस्था है कि बाकी सब इनके गुलाम है, और जो है देश में राज सिर्फ यही करेंगे, बाकी देश के मूल निवासी, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़ सब इनके गुलाम बन के रहेंगे।
तो ये इस रास्ते पे चल रहे हैं। और जो वाइस चांसलर है वहाँ का, उसके इस्तीफा की मांग तो पूरा देश कर रहा है। इवन उनकी पार्टी के मुरली डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी बोल चुके हैं कि उस वाइस चांसलर को हटाया जाए, जिसकी वजह से ये जो अराजकता फैल रही है ये उसी वाइस चांसलर की वजह से हो रहा है कि वो अभी तक सो रहे हैं। किसी जो बच्चे इंजर्ड हुए हैं उनके खिलाफ में जो है केस दाखिल किया गया है, और जो गुंडे हैं जिन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की है, मारा है बच्चों को, खून बहाया है, वो अभी तक जो है, अब जब तक आपसे बात हो रही है अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकार द्वारा एक और नागरिकता देने की बात कही जा रही है तो दूसरी ओर नागरिकता मांगने को कहा जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर यह 4 दिवसीय धरना आंदोलन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।